दोस्तों, एक ऐसा आइलैंड जो रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ इंसान तो नहीं रहते, लेकिन इंसानों के शक्ल के हजारों भारी भरकम स्टैचूज मौजूद हैं, जिन्हें पहली नजर में देखकर कोई भी डर जाएगा। यह आइलैंड समुद्र के ऐसे हिस्से में मौजूद है जहाँ हजारों किलोमीटर की दूरी पर भी दूसरा कोई आइलैंड नहीं है, यानी चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस आइलैंड पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं है, वहाँ इंसानों की शक्ल वाली मूर्तियाँ कैसे पहुँच गई? क्या स्टैचूज का निर्माण स्पेस से आए एलियंस ने किया था, या फिर ये एक मिथ है जो हजारों साल से हवा में तैर रही है? अगर आप ईस्टर आइलैंड के इसी तरह के ढेर सारे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे स्किप करने की गलती भूल कर भी ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करने से आप हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे। ज्ञान टीवी का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, इसीलिए हम इस तरह के वीडियो लगातार बना रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, हमारी टीम को इससे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, चिली से बहुत दूर गहरे पैसिफिक ओशन के ठीक इस हिस्से में, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, एक छोटा सा आइलैंड मौजूद है। इसे ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह आइलैंड सिर्फ इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ हजारों मील दूर तक फैले समुद्र के सिवा कुछ भी नहीं है, तो आप गलत हैं। दरअसल इस अद्भुत और रहस्यमय आइलैंड के लोकप्रिय होने की वजह यहाँ पाए जाने वाले वो हजारों स्टैचूज हैं जो देव की शक्ल के हैं। करीब 300 साल पहले यानी 1722 में एक यूरोपियन ट्रैवलर जैकब रोगोबिन अपनी बोट के साथ गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गया था। उसकी आंखें उस वक्त खुली की खुली रह गईं जब उसकी निगाह उन पथरीले स्टैचूज पर पड़ी जो समुद्र की तरफ पीठ करके खड़े थे। देखने में ये स्टैचूज किसी देव की तरह लगते थे, जिन्हें बड़ी महारत के साथ पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। स्टैचूज के चेहरे बिल्कुल एक भारी भरकम आदमी की तरह थे, जिन पर आंखें, नाक, कान के साथ दूसरी सभी चीजों को अच्छी तरह शेप दिया गया था। अगर कोई आदमी इन देव की शक्ल वाले बूतों को रात के अंधेरे में देख ले तो यकीनन उसकी चीख निकल जाएगी, वह थर थर कांपने लगेगा। यही वजह थी कि जैकब यह सब देखकर हैरान हो गया, लेकिन उसने आइलैंड से दूर जाने के बजाय उसमें दाखिल होने का फैसला किया, यह जानने के लिए कि आखिर ये स्टैचू यहाँ कैसे आए। आइलैंड में दाखिल होने के बाद जैकब की घबराहट उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब उसे यहाँ दो चार नहीं बल्कि हजारों स्टैचू नजर आए। कुछ स्टैचू जमीन पर खड़े थे जबकि कुछ गिरे हुए थे। जैकब ने देखा कि इन स्टैचू में से कई की आंखें हैं तो कई बिना आंखों के ही जमीन पर खड़े हुए हैं। कुछ स्टैचू अपनी बॉडी सहित आइलैंड के बॉर्डर पर पूरी शान और शौकत के साथ खड़े हैं, जैसे इन्हें सदियों से किसी का इंतजार है। कुछ के सिर्फ चेहरे जमीन पर पड़े हैं, जिन्हें देखकर मजबूत दिल वाले भी कांप उठेंगे। इनकी लंबी नाक, चिपटे सिर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी और डरावनी पहचान देते हैं। क्योंकि जिस दिन जैकब यहाँ आया था उस दिन संडे था, इसलिए इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। आइलैंड की खोज होने के बाद यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके साथ इसके पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश भी शुरू हो गई। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहाँ मौजूद देव की शक्ल वाली रहस्यमय मूर्तियों को देखने के लिए आते थे। इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ सैकड़ों साल पहले इंसानों की बस्तियाँ थी और यह आइलैंड रापा नोई के नाम से जाना जाता था। गिने चुने लोग ही यहाँ रहते थे जिनका दुनिया के बाकी हिस्से से कोई कनेक्शन नहीं था, यानी वो इस आइलैंड को अपनी दुनिया समझते थे। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ रहने वाले को भी मालूम नहीं था कि इन स्टैचूज को किसने बनाया। 300 साल की कोशिशों के बाद 2015 में यहाँ कुछ ऐसे सबूत मिले जिनकी मदद से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की उम्मीद जगी। ईस्टर आइलैंड समुद्र में इतना तनहा है कि इसके पड़ोसी पिटकन आइलैंड की दूरी यहाँ से करीब 2000 किलोमीटर है। इसके अलावा पैसिफिक ओशन में एक और आइलैंड भी है जिसे मैंगरीवा के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसकी दूरी भी ईस्टर आइलैंड से करीब 2500 किलोमीटर है और यहाँ बमुश्किल 500 लोग ही रहते हैं। आपको बता दें कि ईस्टर आइलैंड चिली का हिस्सा है, लेकिन यहाँ के लोगों को चिली तक पहुँचने के लिए करीब 3000 किलोमीटर का सफर करना होगा, जो आज से कुछ 100 साल पहले असंभव था। आज भी यह इतना आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ प्लेन की मदद से ही ईस्टर आइलैंड और चिली के बीच की दूरी को खत्म कर सकता है। भारत के दिल्ली शहर जितने बड़े इस आइलैंड में 1000 से भी ज्यादा इंसानों की शक्ल वाले बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद है जिन्हें माई कहा जाता है। यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट और कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक ईस्टर आइलैंड में मौजूद इन स्टैचूज को 13वीं सदी में बनाया गया था। 2012 में यहाँ खुदाई की गई और खुदाई के दौरान जमीन से जो चीजें निकली उन्हें देखकर इंसानों के होश उड़ गए। दरअसल जमीन के ऊपर तो सिर्फ स्टैचूज के चेहरे नजर आ रहे थे, लेकिन गर्दन से लेकर पैर तक शरीर के दूसरे सभी हिस्से जमीन के अंदर गड़े हुए थे। पूरे शरीर की लंबाई भी आम इंसानों की तरह नहीं थी, बल्कि ये स्टैचूज 33 फीट से भी ज्यादा लंबे थे।
अब जरा सोच कर देखिए कि अगर एक स्टैचू की लंबाई 33 फीट है तो इसका वजन कितना होगा, 90,000 किलोग्राम। जी हाँ, चौकिए नहीं, यहाँ पाए गए सबसे बड़े स्टैचू का वजन इतना ही था, जिसे उठाना तो दूर की बात है, हिलाने के लिए भी 500 मजदूरों की जरूरत पड़ी थी। ईस्टर आइलैंड पे एक ऐसा स्टैचू भी मिला जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। यह स्टैचू जमीन के अंदर लेटा हुआ था, जिसकी लंबाई 70 फीट से भी ज्यादा थी। एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से कम्प्लीट होने के बाद इस स्टैचू का वजन कम से कम 300 टन के आसपास होता। अब सवाल ये है कि उस जमाने में जब मशीनें नहीं थी, इंजीनियर्स नहीं थे, तब बड़े और वजनी पत्थरों को तराश कर स्टैचूज बनाना और फिर इतने भारी भरकम स्टैचूज को आइलैंड के अलग अलग स्पॉट पर लाकर खड़ा करना हैरत में डाल देता है। यह एक ऐसा टास्क था जिसे इंसानों के लिए पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन लगता है। यही वजह थी कि लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि इस काम को स्पेस से आए एलियंस ने अंजाम दिया है। हालांकि मॉडर्न रिसर्च ने इस थ्योरी को पूरी तरह गलत बताया है। ज्यादातर साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि सदियों पहले यहाँ ज्वालामुखी फटा था, जिसमें से बड़े पैमाने पर वॉल्केनिक ऐश स्टोन निकले थे और इनका इस्तेमाल करके ही इन स्टैचूज का निर्माण किया गया था। यानी यह काम इसी आइलैंड पर रहकर ही किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च के लिए एक स्टैचू की आंख निकालने में ही पूरे 3 दिन लग गए थे। रिसर्च के दौरान ऐसे सबूत मिले जिनके आधार पर यह कहा गया कि पत्थरों को तराशने के लिए ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया गया जो पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे। एक्सपर्ट्स की माने तो 12 मजदूरों की मदद से एक स्टैचू को बनाने में कम से कम 1 साल का समय लगा होगा। यह तभी संभव है जब मजदूर लगातार काम करते होंगे। यही नहीं, साइंटिस्टों का ये भी दावा है कि आइलैंड पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों को उनकी जगह पर ही स्टैचू का शक्ल दी गई। ऊपर वाला हिस्सा कम्प्लीट होने के बाद इसे पत्थर से अलग कर दिया जाता था। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पत्थरों को वॉल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड के अलग अलग स्पॉट तक कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि एक स्टैचू का वजन 14 हाथियों के वजन के बराबर है। वर्तमान में भी अगर मशीनें ना हो तो ऐसा कर पाना लगभग असंभव है। फिर भला इतने विशाल काय स्टैचूज को कैसे उठाया गया होगा? यह जानने के लिए कई ऐसे स्टैचू का निरीक्षण किया गया जो बीच रास्ते पर गिरे हुए थे। सभी गिरे हुए स्टैचूज पर एक चीज कॉमन थी, जो स्टैचूज किसी ढालदार जगह पे थे वह मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचू चढ़ाई वाली जगह पर पाए गए। रिसर्चर्स ने दावा किया कि जब ये स्टैचू एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा रहे थे तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे और ट्रांसपोर्ट के दौरान ही गिरकर टूट गए। यह भी माना जाता है कि स्टैचूज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए बड़ी बड़ी रस्सियों की मदद ली जाती थी। रस्सियों से संतुलन बनाकर स्टैचूज को चलाकर अलग अलग स्पॉट पर ले जाने का काम होता था। साइंटिस्टों द्वारा यह दावा भी यूं ही नहीं किया गया, दरअसल इसे प्रूफ करने के लिए इसी आकार के एक स्टैचू का निर्माण करने के बाद इसके तीनों साइड पर रस्सियों को बांध कर खींचा गया। एक खास एंगल पर स्टैचू को झुकने के बाद जब इसे खींचा गया तो यह आगे की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर साइट पर मौजूद सभी साइंटिस्ट, इंजीनियर, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स हैरत में पड़ गए थे। यह उनके लिए किसी साइंस से कम नहीं था जिसे 700 साल पहले अपनाया जा चुका था। एक स्टडी के मुताबिक ईस्टर आइलैंड पर करीब 17,000 लोग रहते थे जो तीसरी शताब्दी के दौरान यानी आज से 1700 साल पहले आए थे। ये लोग पॉलिनेशियंस थे। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक कभी इस आइलैंड पर हरे भरे पेड़ों से भरा घना जंगल हुआ करता था। इस आइलैंड पर 25 अलग अलग तरह के पॉलन एविडेंस मिले हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। यहाँ रहने वालों को खेती के लिए जमीन चाहिए थी और यही वजह थी कि उन्होंने जंगल को खत्म कर जमीन को समतल कर दिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इस बारे में हमें जरूर बताएं। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।